स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लें कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की प्लस वन और प्लस टू दोनों क्लासेस में स्पीकिंग स्किल के भी अब मार्क्स हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। और स्पीकिंग स्किल में परफेक्ट होने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपनी प्रोनाउंसिएशन को क्लियर करें। और ये वीडियो सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है, कुछ स्पेशल स्टूडेंट के लिए नहीं, बट इट इज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स एंड इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट नाउ अ डेज दैट वी शुड नो हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड इन अ राइट वे। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें कि अलग अलग तरीके से समझाया जाता है कि राइट वे क्या है किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने का, लेकिन वो वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं और इतनी लार्ज वोकैबलरी को किसी एक वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है। और कई बार तो प्रोनाउंसिएशन गलत होने की वजह से एक करेक्टर रिडिकुलस बन के रह जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शैम्पू को सैम्पू, प्लेजर को प्लेयर, बॉट को बाउट, ऐसे वर्ड्स बहुत बारी आपको सुनने में मिले होंगे। और वहाँ इस चीज़ के लिए पता चल जाता है कि स्पीकर इज़ नॉट अ गुड स्पीकर, इज़ नॉट अ परफेक्ट स्पीकर, और ये बेसिक सी साउंड्स उसे क्लियर नहीं है कि कहाँ पर कौन से वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करना है। तो जैसे आप सबको पता है कि जो लैंग्वेज है इट इज़ द मिक्सचर ऑफ साउंड, वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर। और अब ये साउंड्स हम कैसे सीखेंगे? अल्फ़ाबेट्स तो आपको पता है कि 26 अल्फ़ाबेट इंग्लिश में होते हैं और वो 26 नंबर्स में हैं, लेकिन उनकी साउंड 44 है, उनकी आवाज़ें 44 हैं नंबर्स में। और एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिसे हमें पता चले कि ये चीज़ हमें सीखने के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एक ही अल्फ़ाबेट अलग अलग तरीके से साउंड देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, वर्ड कप, सी यू पी कप, प्लेस, पी एल ए सी ई, चॉकलेट, सी एच ओ सी ओ एल ए टी ई, एक, ए सी एच ई। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि सी वर्ड को अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है, सी यू पी, यहाँ क, प्लेस, स, चॉकलेट, च और क और एक, क। सी वर्ड को ही चार तरीके से बोला जा रहा है। और इसी तरह कई बार आपने देखा होगा कि स्टूडेंट इस चीज़ को लेके इंग्लिश का मजाक भी बना देते हैं कि सी एच ओ पी आर ही अगर चोपड़ा होता है, चोपड़ा बोल देते हैं उसे, लेकिन सी एच ई एम आई एस, फिर केमिस्ट क्यों नहीं है, केमिस्ट क्यों है? तो इसी चीज़ को आज हम क्लियर करेंगे। और उस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमें पता करना है कि एक्चुअली इन साउंड्स की लैंग्वेज को, साउंड्स की नॉलेज को क्या बोलते हैं। तो उसे बोला जाता है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स इज़ द नॉलेज ऑफ साउंड्स। ये साउंड्स की नॉलेज है, आवाज़ की पहचान है, और इन आवाज़ों को कैसे पहचाना जा सकता है, विद द पर्टिकुलर सिम्बल्स। कुछ सिम्बल्स हैं जो कि आपको नॉलेज नहीं है उन सिंबल्स की, लेकिन यहाँ पर उसी चीज़ की नॉलेज दे के हमें क्या ठीक करना है, अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक करनी है। जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंस इन स्पीच कैसे अराइज होता है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डिफरेंस इन स्पीच। अलग अलग एरिया में रहने वाले लोग इंग्लिश को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, उनकी मदर टंग का एक्सेंट उसमें आ जाता है, मदर टंग की झलक उसमें आ जाती है। पंजाब के लोग अलग तरीके से बोलते हैं, साउथ इंडिया के लोग अलग तरीके से इंग्लिश को प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर जो रीज़न है इसे चेंज होने का, दैट इज़ प्लेस, स्टेट और मे बी कंट्री। अमेरिकन और ब्रिटिशर्स दोनों डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, तो यहाँ पर मेन रीज़न लैंग्वेज में जो डिफरेंस है, वेरिएशन है, वो इस वजह से भी हो सकता है। और दूसरी बात, अ सर्टेन काइंड ऑफ इंग्लिश इज़ एक्सेप्टेड एज अ मॉडल। अब ये अलग अलग तरीके से जो इंग्लिश बोली जाती है, इसमें एक तरीके की इंग्लिश, जैसे कि स्टैंडर्ड इंग्लिश बोल देते हैं, स्टैंडर्ड इंग्लिश वैसे तो कोई नहीं है, हर एक जो कंट्री के लोग हैं वो अपने तरीके से उसे बोल रहे हैं,
लेकिन यहाँ पर आर पी जिसे कि रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन बोल दिया जाता है, ये डिक्शनरी में आप लोगों ने कई बार ये वर्ड को देखा होगा, आर पी इज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन विच इज यूज्ड बाय बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो लैंग्वेज यूज कर दी है दैट इज कॉल्ड आर पी, और हम भी उसी के हिसाब से इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए कि प्रोनाउंसिएशन, किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन किस स्टेज पे बेस्ड है, कॉन्सोनेंट साउंड्स, वॉवल साउंड्स, स्ट्रेस, रिदम एंड जंक्चर, किस जगह पर स्ट्रेस देनी है, कहाँ पर रुकना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के प्रोनाउंसिएशन को, सही प्रोनाउंसिएशन का स्ट्रक्चर दिया जा सकता है। और यहाँ पर अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए हम हिंदी का सपोर्ट लेंगे, हिंदी लैंग्वेज का सहारा लेंगे, जिससे कि हमें वो साउंड्स को क्लियर करना आसान हो जाए। अब टोटल देखिए अल्फ़ाबेट इंग्लिश में 26 होते हैं, जिसमें कि 5 वॉवल्स आपने हमेशा सुने हैं, ए ई आई ओ यू, ये सिर्फ लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं और 5 उसमें से वॉवल हैं, दैट इज़ नॉट इन द कैटेगरी ऑफ साउंड्स, ये साउंड्स की कैटेगरी नहीं है। तो साउंड्स कितने तरह की होती हैं, 44 साउंड्स, 44 होती हैं, और इसमें भी अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो वॉवल साउंड्स जो कि सिर्फ 5 वॉवल्स होते हैं लेकिन उसमें से 20 साउंड्स हैं, और कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो 24 साउंड्स हैं, तो दोनों को मिला के 44 साउंड्स हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज में बन जाती हैं। इससे आगे देखिए इन 44 साउंड्स को सीखने के लिए एक ही दिन काफ़ी नहीं है, हम इसे धीरे धीरे सीखेंगे और शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड से। कॉन्सोनेंट साउंड्स में 24 साउंड्स होती हैं और आज इसकी इस वीडियो में हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। नाउ सी हियर इज द लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड विद इट्स सिंबल ऑफ द साउंड। द फर्स्ट वर्ड इज पुट, प, प को डिनोट करना, पी साउंड नहीं है, प है, पुट, पी नहीं बोलेंगे उसे, यहाँ पे सिर्फ साउंड की बात हो रही है, अल्फ़ाबेट पी है लेकिन साउंड प है, और इसको डिनोट करने के लिए इस तरह से हम ट्रांसक्रिप्शन इसे बोल देते हैं, सिंबल बोल देते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज बट, ब, नॉट बी, ब, टी, ट, डे, ड, कैट, क, अब यहाँ पे स नहीं है, सी ए टी, वैसे सी है लेटर लेकिन उसकी जो सिंबल है या साउंड है उसकी क, गो, ग, फैन, फ, वॉइस, व, थिन, थ, थीटा की तरह बना देना है, थ, द, द को बनाने के लिए ये सिंबल यूज होगा, सिट, स, जील, ज, शिप, श, मेयर, य, मैन, म, नो, न, सिंग, ग, लेक, ल, रैट, र, वाटर, व, यस, य, चौक, च के लिए ट, ट वाला सिंबल और आगे श वाला सिंबल दैट इज च, हैट, ह, अगर आप चाहें तो नोटबुक पे नोट कर सकते हैं इन सिंबल्स को, जग, ज, ज,
ज के लिए ये सिंबल यूज होएगा। और एक बार दोबारा से इसे देख लें। इस चार्ट में जो साउंड्स दी हुई हैं, प ब ट ड क ग फ व थ द स ज श य म न ङ ल र व य च ह ज, और ये कॉन्सोनेंट्स की लिस्ट है जो कि नंबर्स में टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 हैं। तो अब इसमें डिफरेंट क्या है? नॉर्मली तो आपने देखा कि पी को प बोल दिया, कुछ डिफरेंट देखिए क वाला, जिसको कि सी को क बोल रहे हैं यहाँ पर, ग थ, जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाले जहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, थ एंड द, द का सिंबल है, ज, ज का सिंबल, श, श को याद रखना है, ज, सॉरी ज इज द दिस वन, य मै यर दिस वन साइन, एंड आफ्टर दैट ग, तो एन को थोड़ा सा लंबा कर देना है और ये ग का साइन हो जाएगा। आफ्टर दैट य, बोल य रहे हैं लेकिन सिंबल जे से आएगा, यस के लिए इस सिंबल को यूज करना है, च ह और ज। पहले ही बता दिया कि ये सीखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कुछ वर्ड्स जिसमें कि कन्फ्यूज़न होती है उसके, उन वर्ड्स को अगर हमारे पास उसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगी तो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न कि उसको किस तरीके से पढ़ना है। अब आपने कॉन्सोनेंट लिस्ट में देखा कि वी की साउंड भी व है और डब्ल्यू की साउंड भी व से आ रही है, तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको प्रोनाउंस करने का सही तरीका क्या है, तो इसको भी हम आज क्लियर कर रहे हैं। वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन में जो हमारे स्पीच ऑर्गन यूज होते हैं, उन स्पीच ऑर्गन्स में हमारे टीथ यूज होते हैं, लिप्स यूज होते हैं, और लंग्स से एयर प्रेशर बाहर आता है, टंग यूज हो रही है, टंग की टिप ऑफ द टंग यूज हो रही है, साइड ऑफ द टंग है, या फिर नोज से जो आवाज़ आ रही है, फॉर एग्जांपल एम एन अंग, ये नाक से आवाज़ें आती हैं, तो इस तरह जो डिफरेंट आवाज़ें आती हैं, साउंड्स आती हैं, जो डिफरेंट स्पीच ऑर्गन्स की हेल्प से उन साउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए वी के लिए विद द हेल्प ऑफ अपर टीथ एंड लोअर लिप, अपर टीथ और लोअर लिप की हेल्प से व बोल के देखिए आप, अगर साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्लियर नहीं होगा, इसको बोल के देखिए व, और ये इसके लिए अपर टीथ हमारे यूज़ हो रहे हैं और लोअर लिप के साथ वो टच कर रहे हैं व। और अगर W के साउंड को देखिए जो कि व की आवाज़ आ रही है, तो उसमें राउंडिंग द लिप्स, हमारे लिप्स राउंड शेप में आ जाएंगे व, बोल के देखिए इसे, इसमें टीथ यूज़ नहीं हो रहे व, और लिप्स की राउंड शेप आ रही है। तो अब इन वर्ड्स को आप मेरे साथ बोल के देखिए, सो दैट कि आपको दोनों की प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगी। नाउ स्पीक विद मी एंड ऑब्जर्व द पोजिशन ऑफ योर लिप्स। नाउ लेट्स स्टार्ट wet, went, west, wine, worse. So इस इन वर्ड्स को दोबारा बोल के देखिए और फिर अपनी लिप्स की पोजीशन को ऑब्जर्व करिए, wet, went, west, wine, क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पर, अपर टीथ और लोअर लिप यूज़ हो रहा है। नाउ wet, went, west, wine,
और यहाँ पर वर्स, लिप की राउंड शेप आ रही है लिप्स की। सो इस तरह से आज जो हमने सीखा कि व साउंड को किस तरह से प्रोनाउंस करना है इन द राइट वे, और इसी तरह से आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम वॉवल साउंड को यूज़ करना सीखेंगे, वॉवल साउंड को प्रोनाउंस कैसे करना है और उसके सिंबल्स कौन से हैं, कौन से सिंबल्स से उनको डिनोट करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।